बहुत ठंडी पड़ गई है अभी अभी मैं ड्यूटी से घर जा रहा था, साइड में थोड़ा चाय पिया, ग्लास तो भूल गया है लेके आने के लिए, घर में रह गया है। अभी बज रहा है 10:54 और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो आप लोग कॉन्टिन्यू किया नहीं है, पहले छोड़ता था। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मैं फिर कॉन्टिन्यू वीडियो छोड़ने का कोशिश करूँगा। अभी हूँ मैं वृंदावनपुर, ये जो रोड है जो स्टॉपेज है वृंदावनपुर, इस रोड से आप सीधा जाएंगे तो दीघा सी बीच पड़ता है इसी रोड पे। मैं और 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट लूँगा और मेरा जो वीडियो होता है मेरा वॉइस नहीं रहता क्योंकि मेरा कैमरा में एक्सटर्नल माइक सपोर्ट है लेकिन मेरे पास है नहीं, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे कर दूँगा। अभी जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है चंडीपुर, ठीक है, यहाँ पे फ्लाईओवर है, दीघा जाना है तो सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से आप जा सकते हैं और लेफ्ट साइड में आपका जो रोड गया है वो जाता है नंदीग्राम, उसी रोड में मैं जाऊंगा। यहाँ से करीब 7-7.5 किलोमीटर अंदर मेरा घर है। यहाँ से चंडीपुर मार्केट शुरू होता है, ठीक है, और कोई भी भाई अगर कलकत्ता या बाहर से कहीं से दिखा जाते हैं तो चंडीपुर के आसपास अगर कोई प्रॉब्लम होता है या हेल्प का जरूरत होता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। देखिए सीधा वाला जो फ्लाईओवर है दीघा, आप इसके ऊपर से सीधा चला जाना, ठीक है, मैं नीचे से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट लेना है। ये वाला रोड जाता है चंडीपुर के लिए। रोड पहले हालत बहुत खराब था, अभी मेंटेनेंस किया है तो रोड का कंडीशन भी अच्छा है। और मेरे लोकल जो सब भाई या फ्रेंड्स जो भी हो, किसी को भी कुछ ज़रूरत हो या कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए बाइक रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं कॉन्टेक्ट कर लूँगा। मैं हल्दिया से निकला था करीब 10 बजे, मैं ड्यूटी छोड़ा, उसके बाद मैं जहाँ रेंट में रहता हूँ रूम में गया था, थोड़ा सामान लेना था, सामान लिया रूम से लेके निकला हूँ। और मेरा रेस्क्यू मेरे साथ रहता तो इतना टाइम लगता नहीं, ये मेरा भाई का भाई है, इसका सिर्फ अभी तक फास्ट सर्विसिंग हुआ है इसलिए इसको ज़्यादा भगाता नहीं हूँ। और उसके बाद मेरा खुद का भाई हो तो मैं मेरी तरह चला था, और ठंड भी बहुत पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ।
यहां से करीब 3 किलो 3-4 किलोमीटर के बाद मुझे फिर लेफ्ट लेना है, तो वहां से शुरू होता है कंक्रीट रोड, ठीक है, और सीधा नंदीग्राम के लिए जाता है। जो लोग मुझे जानता है ठीक है, जो लोग नहीं जानता है मेरा लोकेशन विलेज विलेज रहता हूँ, कोई भी टाउन फाउन नहीं है, विलेज से लड़का हूँ। काम के सिलसिले में मैं हल्दिया में रहता हूँ। देख सकते हैं पूरा रोड खाली खाली, और ये सब बैक जो देख रहे हैं बम्पर है नहीं, स्पीड ब्रेकर नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि धीरे चलाएगा जो नया राइडर है उसको लगेगा कि स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा स्पीड कम करेगा, क्योंकि रोड इस रोड में बहुत एक्सीडेंट होता है, उसी कारण ऐसे किया हुआ है। ये सामने वाले जो टर्निंग में दिखाऊंगा, 2-3 टर्निंग, इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है अभी तक। ऐसे ही अचानक से गाड़ी आ जाता है, बहुत बाइक एक्सीडेंट हुआ है। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा के टाइम में भी यहाँ पे रात में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे जो भाई लोग हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि हेलमेट भाई जरूर पहन के चलाइए, और कुछ हो ना हो हेलमेट मस्ट, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो देखिए आपका हाथ पैर कुछ भी टूट जाए फिर भी ठीक है, लेकिन आपका दिमाग में ज़्यादा चोट आने की वजह से ज़्यादा परेशानी हो सकता है, और एक्सीडेंट में ज़्यादातर आदमी मरता है अगर आपका दिमाग में सिर में अगर ज़्यादा लगता है या कुछ भी होता है। उसके बाद जो स्टैंड है उसको बोलते हैं हाथ चोरा, ठीक है, तो हाथ चढ़ा से फिर भी 4 किलोमीटर मेरे घर है, और थोड़ा बहुत है जाने के बाद मैं लेफ्ट लूँगा, आप देख पाएंगे। पता नहीं मैं वॉइस दे रहा हूँ लेकिन वॉइस आ रहा है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, ठंड लग रहा है, उसके बाद भी मैं हेलमेट का जो ग्लास है उसको उठा के मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ठंड लग रहा है। ये देखिए ये हाथ चला स्टैंड, ठीक है, मैं यहाँ से लेफ्ट में हो रहा तो जैसे बोला था देख सकते हैं ये कंक्रीट रोड है, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर होगा मेरा घर। चार किलोमीटर के अंदर दो जगह थोड़ा कॉन्क्रीट का काम हुआ नहीं है, कुछ परेशानी होगा, इसलिए जिन लोगों का जो प्लेस है वो छोड़ नहीं रहे हैं रस्ते के लिए, इसलिए दो जगह थोड़ा काम हुआ नहीं है। आप देखिए मैं सामने ही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही गंदा टाइप का रोड है, बोल सकते हैं कि वाइब्रेटर रोड। देखिए यहाँ शुरू होता है वाइब्रेटर रोड, देखिए ऑफ रोडिंग यहाँ पे हो जाता है थोड़ा बहुत। आप देख सकते हैं करीब 100 मीटर के करीब यहाँ काम हुआ नहीं है, यहाँ पे फिर 500 मीटर कंक्रीट है, उसके बाद फिर थोड़ा
200 मीटर के करीब, फिर मिट्टी का रोड है। पहले पूरा रोड ही ऐसा था, अभी तो 3-4 साल हुआ है, ऐसा हुआ है, रोड अच्छा हुआ है। अजब चीज़ है कि ये जो कंक्रीट का रोड आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर मतलब जो लोहे का रोड देते हैं ना, वो दिया ही नहीं है। मतलब जब बन रहा था देखे थे, पता नहीं कैसे ऐसा बिल पास हो जाता है। आप देख सकते हैं रोड का कंडीशन कितना बुरा है। मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन बारिश का दिन मतलब बहुत गंदा हो जाता है। पूरा रास्ता ठीक जाता हूँ, यहीं से बाइक पूरा गंदा कीचड़ से भर जाता है। अब देखिए फिर शुरू हुआ कंक्रीट का रोड, यहाँ से पूरा मेरे घर से करीब 300 मीटर दूर होगा, वहाँ तक ख़त्म हुआ है। वहाँ से फिर आपका पीच मतलब पक्का सड़क शुरू हुआ है उस तरफ के पास में, जो राइट में देख रहे हैं ये रामकृष्ण मिशन है, मुरादपुर रामकृष्ण मिशन। यहीं पर मैंने सेकेंडरी कंप्लीट किया है। पहले बहुत ही अच्छा था, मतलब बार बार से लड़का हॉस्टल में रह के पढ़ता था, वही अभी भी रहता है, लेकिन पहले जैसा इतना अभी कंट्रोल है नहीं। मतलब पहले क्या था, बाकी सब स्कूल से स्कूल का नाम बहुत ही अच्छा था, डिसिप्लिन में हो या कुछ भी अदर रिजल्ट हो या कुछ भी, लेकिन अभी इतना है नहीं। ये वाला आप प्लानिंग देखिए, सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता सामने, अचानक देखिए। और हम लोगों के यहाँ पे ना एक पेड़ कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जो बम्बू बोलते हैं बांस का पेड़, बम्बू बहुत बहुत होता है। मतलब हम लोगों के यहाँ से बाहर जाता है ये सब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हो या कुछ भी काम के लिए जाता है। पूरा खाली सड़क, अभी यहाँ पे काली मंदिर है, बहुत ही अच्छा लेफ्ट साइड में। पता नहीं हाईवे में चला रहा है कि कहाँ, जो हैजर लाइट इन लोगों को कहाँ क्यों यूज करना है इन लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, बाइक खरीद लिया, प्रेशर लगा लिया, बस हैजर लाइट लगा के जहाँ तहाँ सब चलता है। देखिए रोड कैसा है, पूरा हरियाली रोड के ऊपर दोनों पास छाँव रहता है। दिन के टाइम अच्छा लगता है, पूरा छाँव इतना धूप नहीं रहता है। पीछे आ रहा है छबरी भाई, ठीक है, उसको स्पीड बढ़ गया है। पता नहीं यार इन लोगों को, अगर कोई बाइक दिख जाए थोड़ा जा रहा है स्पीड से उसके साथ, उसके पीछे पीछे आगे आगे, पता नहीं इन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। मेरा भाई का जो बाइक है पल्सर N160, इसका हेडलाइट गजब है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। इसका एग्जॉस्ट साउंड तो मैं बोलूँगा अपाची का बाइक से भी अच्छा है, लेकिन इसका पीछा इतना अच्छा। मैं बोला था इसका पीछा भी इतना अच्छा नहीं है। आप देखिए इसके ऊपर छाँव जहाँ बैठा है, इसके ऊपर से जो फूल आप देखे हैं ना, इसके ऊपर से कितने आदमी नीचे गिरे हैं, देखे
पानी में, फिर भी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। ये मेरा घर का रास्ता, मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो जो मेरे वीडियो पूरा देखे, थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।